तो गाइस लोकी का एपिसोड 1 आ चुका है और उसमें हमने देख ही लिया है कि टीवीए इन्फिनिटी स्टोन को पेपर वेट्स की तरह यूज कर रहे हैं। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अब्राहम वंडी और वाचक अब्राहम का अनुभव। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं लोकी सीरीज का एपिसोड 1 जो कि आ चुका है। और आज की वीडियो में सिर्फ मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ब्रेकडाउन और उसके साथ साथ ईस्टर एग्स आपको मेरी आने वाली वीडियोस में। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड 1 शुरू होता है 2012 में एंड गेम के उसी टाइम से जब लोकी टेसरेक्ट लेके भागा था। और वहां पे हम देख सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा कि हमें एंड गेम मूवी में दिखाया था। और वहां पे हमें ये वाला सीन इस बार लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखाया था और लोकी वहां पे देख रहा था। और हमें वैसा ही दिखाया जाता है कि लोकी टेसरेक्ट लेके भागता है और अब वो कहां जाता है ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब हमें एपिसोड में पता चल चुका है कि यहां पे लोकी जा रहा है मंगोलिया और वो ज्यादा कहीं जगह दूर नहीं गया है, वो गया है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में और वहीं पर ही क्रैश हुआ है। और गाइस लोकी को क्रैश को देखने के बाद मुझे काफी हद तक आयरन मैन मूवी की टोनी स्टार की याद आ गई जब वो क्रैश होता है। अब यहीं पर ही पहुंच जाते हैं टीवी वाले जिनको पता चलता है कि रियल टाइम लाइन में अब कोई छेड़छाड़ कर रहा है। और वहां पड़ता है हमारे लोकी को एक स्लो मोशन पंच जहां पे वो लोकी को गले पे एक बैंड बांध देते हैं जिसकी वजह से लोकी वहां भाग नहीं पाता है। और उसके साथ साथ वो टाइम को रीसेट भी कर देते हैं एक मशीन के जरिए। ये मशीन गाइस टाइम को दोबारा से रीसेट कर देती है, यानी कि जैसा टाइम था वैसा ही दोबारा कर देती है। और यहां हमारा लोकी पहुंचता है टीवीए के ऑफिस जहां पे उसको काफी सारे पेपर साइन करने के लिए दिए जाते हैं। उसका बॉडी स्कैन होता है और उस बॉडी स्कैन में जो डिटेल्स आपको बताई गई थी वो भी मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अब वो जाता है टीवीए के किसी एक रूम में जहाँ पे उसको एक टिकट लेने को कहा जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें मिस मिनट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि किस तरीके से पहले के टाइम में टाइम क्रीपर्स जो थे वो सभी टाइम की रक्षा करते थे और उसके साथ साथ एक फ्लो ऑफ टाइम मेंटेन करके रखते थे। और अगर कोई भी इंसान इस फ्लो ऑफ टाइम से बाहर जाता था और उस इंसान को यहाँ वेरिएंट कहा जाता था। और गाइस इसी एपिसोड में हमें पहली बार मल्टीवर्स भी देखने को मिल गया और यहाँ पे हमें टीवीए का लोगो भी देखने को मिला जिसमें लिखा था फॉर ऑल टाइम एंड ऑलवेज। और गाइस इसके बाद जिसको इंसान को टिकट लेने के लिए बोला गया था और उस इंसान ने टिकट नहीं लिया था उस इंसान को यहाँ पे जला दिया जाता है। और तभी हमारा लोकी यहाँ पे डर के मारे अपना टिकट दिखाता है और इसी के साथ आता है हमारा लोकी का पहला सीन जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1549 का टाइम चल रहा है फ्रांस में, जहाँ पे वो मॉबियस दिखाए जाते हैं जिनका कोई एक टाइम एजेंसी का एजेंट मर जाता है। और वहाँ पे वो एक लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ, इसको किसने मारा, तो वो डेविल की तरफ इशारा करती है। तो गाइस यहाँ पे डेविल की तरफ इशारा करना मेरे हिसाब से वो लोकी को बताना चाहती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक चॉकलेट खा रही होती है, इसके बारे में भी मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि फ्लो ऑफ टाइम दोबारा से टूट जाता है और इसके साथ साथ जो लोकी है वो फ्लो ऑफ टाइम को तोड़ते हुए भागा है। यहाँ पे लोकी को दूसरी तरफ टीवीए के हेडक्वार्टर में लेके जाया जाता है, वहाँ की एक तरीके से आप कह सकते हैं कोर्ट में। और वहाँ पे जो टाइम क्रीपर्स के तीनों मूर्ति के सामने एक जज बैठी होती हैं जो कि लोकी से बात कर रही होती हैं कि तुमने टाइम ऑफ फ्लो तोड़ा और क्या तुम अपने गुनाह को कबूल करते हो या नहीं। यहाँ पे लोकी अपनी शक्तियाँ भी यूज़ करते हुए हमें दिखा है लेकिन यहाँ पे उसकी शक्तियाँ काम नहीं आती हैं। और यहाँ पे जज फैसला सुनाती हैं कि इसको रीसेट कर दिया जाए लेकिन मॉबियस कहता है कि नहीं इसको रीसेट मत करो, रीसेट मतलब इसको मत मारो, क्योंकि मूवीज कहते हैं कि उसे यहाँ पे अभी लोकी की ज़रूरत है। जहाँ पे जो जज हैं वो कहती हैं, पहले तो मना करती हैं लेकिन फिर मान जाती हैं। फिर मूवीज लोकी को लेके जाते हैं अपने रूम में जहाँ पे वो लोकी से कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको मिलता है एक लुक पूरे के पूरे टीवीए की सिटी का। तो गाइस यहाँ पे फिर हमें वो लिफ्ट में जाते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पे मोबियस लोकी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद पहुँचते हैं वो लोग किसी एक रूम में जहाँ पे मोबियस लोकी को चेयर पे बैठने के लिए कहता है और वो लोग बैठ के उस लोकी की लाइफ को दोबारा से देखने लगते हैं। वहाँ पे मोबियस पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मारते हो, तुम्हें इसमें क्या मजा आता है, तुम अवेंजर से पकड़े गए थे, जिसे देख के लोकी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं बैठना। और फिर मोबियस हमें काफ़ी मज़ेदार सीन दिखाते हैं जिसमें लोकी हमें एक चोरी करते हुए दिखाया जाता है एक एयरप्लेन में जहाँ पे वो किसी एयरपोर्ट पे रुकता है, 2 लाख रुपए मांगता है और सीधे सीधे वहाँ से उड़ जाता है पैराशूट के साथ। और यही सीन हमको ट्रेलर में भी देखने को मिला था और वो बाइफ्रॉस्ट के संग चला जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि उसकी थॉर के साथ शर्त लगी थी ऐसा करने की, इस वजह से उसने ये सब किया था। और गाइस यहाँ जितने नोट वो गिरा रहा है मुझे तो लगता है जाते जाते उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब देखने के बाद लोकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी जो मोवियस है वो उसे दिखाते हैं कि आगे उसकी वजह से उसकी मदर का भी डेथ होने वाली थी और इसके साथ साथ वो ही इस बारे में जिम्मेदार था जैसा कि हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाया था। और इसके बाद लोकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और उसके साथ साथ फिर मोवियस कुछ काम भी आ जाता है, इस वजह से वो उस रूम से चले जाते हैं।
अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हंटर B15 का, जो कि एक एजेंट है टीवीए की। वो लोकी के बारे में मॉबियस से कुछ बात करते हैं कि तुम्हें इससे बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तक मॉबियस वापस आते हैं लोकी वहाँ से गायब हो चुका होता है। और इसके बाद सारी की सारी टीवीए की टीम लोकी को ढूंढने के लिए लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी एक ऑफिस से पहुँचता है जहाँ पर वो एक एजेंट से कहता है कि मुझे मेरा टेसरेक्ट वापस चाहिए, लेकिन एजेंट को पता ही नहीं होता कि वो टेसरेक्ट क्या है। लेकिन फिर उसके बाद वो उस नीली सी चीज़ को जो कि टेसरेक्ट को बोल रहा होता है वो उसे लोकी को दे देता है। और गाइस यहाँ हमें देखने को मिलता है कि लोकी को काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे फालतू में पड़े होते हैं पेपर वेट के रूप में। मतलब टीवीए वाले पेपर वेट के रूप में इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सबका कुछ काम ही नहीं था। लेकिन तब तक लोकी दोबारा से पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो वहाँ से दोबारा गायब हो जाता है। और इसके साथ साथ अब वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे वो अपना आगे का फ्यूचर देखने लगता है, और देखता है कि कैसे उसकी मदर की भी डेथ हो गई, और वो भी उसी की वजह से, और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके जो फादर थे ओडिन, उनकी भी डेथ हो गई, और फिर वो दोबारा से इमोशनल होने लगता है। ये सीन गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। और इसके बाद लोकी देखता है कि रैग्नारोक मूवी में लास्ट में जब थॉर वो लोकी को गले लगाता है उस सीन को, लेकिन उसी के बाद वो जो अपना एंड देखता है कि किस तरीके से थैनोस ने उसको मारा था, वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और उसको लगता है कि मुझे तो ओडिन का साम्राज्य चाहिए था, और इसके अलावा मुझे उल्टा मरना पड़ा। और इसके बाद गाइस हम ये देख सकते हैं कि लोकी दोबारा से हंसने लगता है, तभी वहाँ पर दोबारा से हंटर B15 आ जाती हैं, जो कि लोकी से एक फ़ाइट करती हैं। और उस फाइट में हमारा लोकी बड़ी चालाकी के साथ एजेंट हंटर B15 के ही पीछे वो बेंट लगा देता है, जिसकी वजह से अभी तक उसको यहाँ पे कैद करके रखा जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं गाइस कि हंटर B15 को वो जहाँ टेलीपोर्ट करता है वहाँ पर ही उन्हें मॉर्फियस मिल जाता है, और वो एजेंट भी मिल जाता है जिसके पास से लोकी ने टेजरेक्ट लिया था। अब यहाँ पे लोकी गाइस बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, और यहाँ पे आता है मॉर्फियस, और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था, और अब तुम नहीं भाग पाओगे। तभी लोकी कहता है कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे लोगों को मारना पड़ता है। और लोकी बताता है कि यहाँ पर वो टेसरेक्ट या किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीवी ये स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसके बाद गाइस लोकी पूछता है कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तब मॉर्फियस उसे कहते हैं कि एक वेरियंट है जो कि टीवी के एजेंट्स को धीरे धीरे करके मार रहा है, और वो वेरिएंट तुम ही हो। बाद हमें टाइम दिखाया जाता है 1858 में ओक्लाहोमा का। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे टीवी के कुछ एजेंट्स आते हैं और वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हमें एक कोई स्ट्रिक्ट टाइप दिखाई हुई देती है, जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एजेंट कहते हैं कि ज़मीन पे तेल फैला हुआ है। और गाइस इसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलता है अपना लोकी सीरीज का विलन, जो कि हो सकता है लोग कह रहे हैं कि फीमेल लोकी है, और वो गाइस एक नाइट लैंप गिराता है जिसकी वजह से पूरी फील्ड में आग लग जाती है। और इसके साथ साथ गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी एजेंट्स थे वो सभी के सब आग में चल के मरने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक एजेंट धीरे से टाइम रीसेट करने वाला होता है, लेकिन तब तक जो लोकी है या जो विलन है वो उस एजेंट को भी मार देता है। और यहाँ पे जिस मशीन से वो टाइम रीसेट करने वाले थे वो उस मशीन को भी लेके चला जाता है। इसके बाद गाइस हमें क्रेडिट्स के दौरान ही दिखाया जाता है कि मिस मिनट्स हम लोगों से कहती हैं कि आपको टीवी का सफ़र अच्छा लगा होगा, हमें रेटिंग देना ना भूले। तो गाइस यहाँ पर ही हमें एपिसोड एंड होते हुए दिखा दिया गया है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया लोकी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा था, और इसके साथ साथ हमें गाइस विलन को भी इंट्रोड्यूस इसी एपिसोड में करवा दिया गया। और गाइस मैं तो इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर इस सीरीज़ में विलन भी लोकी ही होने वाला है, तो लोकी वर्सेस लोकी देखना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो गाइस अगर आप भी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हॉटस्टार का लिंक दे दिया है, आप VIP सब्सक्रिप्शन के साथ वहाँ इसको हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको लोकी सीरीज़ का पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी एपिसोड्स और सीरीज के ईस्टर एग्स और इसके साथ साथ डिटेल्स भी लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।